हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल से मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। अपने टेरेस या बालकनी पे गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी मेरी एक्टिविटी होती है, मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ मैं वह जरूर शेयर करूँ। भले वो रिपोर्टिंग का काम हो, प्रूनिंग का हो, फर्टिलाइजेशन का हो या बॉन्साई मेकिंग का। इसके लिए मेरा पर्पस यही है कि अगर मैं आपको किसी चीज़ के लिए कोई नॉलेज देती हूँ तो उस काम को सही से एक्सप्लेन करने का तरीका यही है कि हम उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएं। और जब भी हम किसी काम को लाइव डेमोंस्ट्रेट करते हैं तो वो बेस्ट होता है सिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैं गार्डनिंग का काम अपने बालकनी करने जा रही हूँ वो अपने जेड प्लांट्स की प्रूनिंग और शेपिंग है। जो बॉन्साई मैंने पहले से स्टार्ट करे हुए हैं उन प्लांट्स को मैंने प्रून करना था या उनमें जो शेपिंग की रिक्वायरमेंट थी वो है। और इसके साथ साथ जो मार्च के मंथ में मैंने अपने यहाँ हैंगिंग बास्केट्स में से कुछ प्लांट्स, जो पुराने प्लांट्स निकाले थे, उसमें से जो थिक ट्रंक वाले प्लांट्स थे उनको मैंने रिपोर्ट करा था। लेकिन उनकी मैंने बॉन्साई ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करी थी, क्योंकि कभी भी हम किसी प्लांट को जब रिपोर्ट करते हैं तो इमीडिएटली उसके साथ कोई हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हम उसके लिए अपने प्लांट को थोड़ा सा समय देते हैं कि नए पॉट में वो सेट हो जाए, और जब एक बार ही उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तभी हम उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, गार्डनिंग के वीडियोस बनाने में एक चीज़ में बहुत परेशानी आती है जो मैं बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ, वो है नॉइस की। क्योंकि मेरा जो काम है वो ओपन में करने का है, हम अपने क्योंकि एक रूम में बंद करके मैं अपने गार्डनिंग वीडियोज़ नहीं बना सकती। जब तक मेरे प्लांट्स मेरे साथ में नहीं होंगे तो एक मेरे को वो वीडियो बनाने में फील नहीं आती, तो इसलिए मेरे को ये काम ओपन में करना पड़ता है। और ओपन में इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है मेरे आसपास, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। इसके साथ साथ मेरे घर के आसपास बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही हैं तो उनका भी बहुत नॉइज़ रहती है। इसलिए अगर वीडियोस में वो शोर आता है तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज कीजिए। फ्रेंड्स, हम जो भी काम करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वर्किंग कंडीशंस जो हैं हमारे आसपास की बहुत फेवरेबल होनी चाहिए। क्योंकि काम करने का मज़ा तभी आता है जब हमारी आसपास का जो एटमॉस्फेयर या कंडीशंस वैसी हों। क्योंकि जैसे मैं काम करती हूँ तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो मेरे पास जो भी मैं काम करने के लिए, मेरे पास सारा सामान बिल्कुल हैंडी होना चाहिए। इसके साथ साथ आसपास का जो एटमॉस्फेयर थोड़ा नीट एंड क्लीन या थोड़ा सा डेकोरेटिव होना चाहिए, और एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि जो मेरे को इंस्पायर करे काम करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, अपने मैंने काम करने के लिए एक ये ब्यूटीफुल पेंटिंग मैंने अपने पास रखी है। ये पेंटिंग मेरी नीज ने मुझे मेरे गार्डन के लिए गिफ्ट करी है, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसको अपने पास रख के अगर अपनी गार्डनिंग का काम करूँगी। ये देखिए, ये कैनवस शीट पे बनी एक्रेलिक कलर से हैंडमेड पेंटिंग है, और ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है। इसमें लीव्स के अलग अलग मूड्स को बताया गया, अलग अलग शेड्स को बताया गया, और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग लग रही है। मैंने इस पेंटिंग को अपने पास रखा है क्योंकि ये पेंटिंग जो है मेरे को और अच्छे से इंस्पायर करेगी और मेरे काम करने का मूड को और अच्छा बनाएगी। इस तरीके की क्रिएटिव आइडियाज़ और पेंटिंग्स के लिए आप इनका पेज फॉलो कर सकते हैं, आर्ट फॉर फन बाय आशिमा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और इस अगर आप इस तरह की पेंटिंग्स खरीदना चाहते हैं तो उनको आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अब अपना काम करने के लिए मैंने ये रिवॉल्विंग टेबल सेट कर ली है, क्योंकि जब बॉन्साई मेकिंग के लिए हमने प्लांट को सब तरफ से शेप करना होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरीके से रिवॉल्विंग हमारे पास कुछ होना चाहिए, और इससे हमें अपने पॉट को बार बार हिलाना नहीं पड़ता और टेबल को ही मूव करके हम अपना काम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो मैंने अपने जो बॉन्साई मेकिंग के लिए ये मैंने कटर अपने तैयार कर लिए हैं, इनको मैंने पहले से स्टरलाइज करके रखा है, और कुछ मैंने ये वुडन स्टिक्स लिए हैं कि अगर मेरे को अपने प्लांट्स को कहीं सपोर्ट करने की ज़रूरत हो पड़ेगी तो, और उनको बांधने के लिए मैंने कुछ टाई बेल्ट्स लिए हैं, और इसके साथ साथ मैंने वायर ले लिया है। ये बॉन्साई वायर है, अगर कुछ ब्रांचेस को मैंने कर्व में शेप देनी है तो ये मेरे को उसमें हेल्प करेगी। तो इस तरीके से मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अगर अपना काम करने बैठी हूँ तो मेरे पास सारी चीज़ें हैंडी होनी चाहिए, ताकि मैं अपने जो है गार्डनिंग का काम मैं बहुत इजीली कर सकूँ। तो इसलिए पहले एक बार मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मेरे को क्या काम करना है, और उसके हिसाब से जो मैं सारा मटेरियल अरेंज करके मैं फिर काम करने बैठती हूँ। सबसे पहले जो है मैंने अपने ये इस बॉन्साई को लिया है, इसमें मैं ऊपर इसके टोपियारी, इसको राउंड शेप में बॉल शेप टोपियारी डेवलप करना चाहती हूँ, और इसमें काफ़ी दिनों से काफ़ी समय से प्रूनिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसमें लंबी लंबी ब्रांचेस बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये इजी वाला काम मैं प्रूनिंग का ही काम करूँगी। अब इसमें हमने जो सारी इसकी जो टिप्स हैं इनको हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि ये मेरे को एक थिक इसमें राउंड शेप टोपियारी चाहिए, तो इसमें जो भी ऊपर की लंबी लंबी ब्रांचेस जो ग्रो कर रही थी, और प्लस इनकी जो आगे जैसे थोड़ी थोड़ी पिंचिंग मैं कर दूंगी, क्योंकि जहां से भी मैं पिंचिंग करूंगी वहां से जो नेक्स्ट टाइम ग्रोथ होगी वहां 2 से 3 ब्रांचेस ग्रो करेंगी।
तो इस तरीके से जो है इसको मैंने बिल्कुल एक राउंड शेप देनी है ताकि मेरे प्लांट के ऊपर एकदम थिक टोपियारी बने। बॉन्साई में ये ज़रूरी होता है कि जो भी हमें ब्रांचेस नहीं चाहिए होती हैं हम उन सारी ब्रांचेस को रिमूव कर देते हैं ताकि जो हमारी जो ग्रोथ है प्लांट की सिर्फ उसी एरिया में रहे जहां हम ग्रोथ चाहते हैं। अब एक एक करके मैं अपने सारे जो हैं प्लांट्स की प्रूनिंग करती जा रही हूं। पहले जो जिन प्लांट्स में खाली प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट थी मैं उन प्लांट्स को ले रही हूं और उसके बाद जिन प्लांट्स में प्रूनिंग के साथ साथ उनमें शेपिंग की या वायरिंग की ज़रूरत होगी तो उसके बाद मैं उन प्लांट्स को लूँगी। जितना ज़्यादा हम अपने प्लांट्स को प्रून करते हैं हमारे प्लांट्स उतने ही बुशी और थिक होते जाते हैं और उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी होती जाती है। अगर हम अपने प्लांट्स लंबे समय तक प्रून नहीं करते तो उनकी जो ब्रांचेस हैं वो लगी होती जाती हैं, उनमें लीव्स झड़ती जाएंगी और उनमें एक ब्यूटीफुल लुक नहीं आती। और मेरी ये आदत है कि प्रूनिंग के बाद जित ब्रांचेस मैं कट करती हूँ उन सभी ब्रांचेस से मैं दोबारा से नए प्लांट्स मैं तैयार करती हूँ। मैं अपनी छोटी से छोटी ब्रांच से भी नया जेड प्लांट मैं तैयार कर लेती हूँ। तो इसी वजह से ही मेरे पास जेड प्लांट की एक बहुत ही अच्छी कलेक्शन हो चुकी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्लांट में बहुत ही अच्छा, ये बहुत सुंदर, ये थिक ट्रंक इसमें डेवलप हो गया और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और हमारा मेन पर्पस यही होता है कि जैसे इस ट्रंक पे अगर कोई भी ब्रांचेस निकलती हैं तो उनमें सभी ब्रांचेस को रिमूव करती जाऊँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये इसमें छोटी सी ये ब्रांच निकली है, इसको मैं रिमूव कर दूँगी। और इसके साथ साथ अब जैसे ये देख रहे हैं कि ये वायर भी इस प्लांट में धंसनी शुरू हो गई है तो ये ज़रूरी है कि इस प्लांट की ये वायर को मैं रिमूव कर दूँ, नहीं तो ये अगर मैं लंबे समय तक ये वायर बंधी रहेगी तो ये मेरे प्लांट को नुकसान पहुँचा सकती है। देखिए जैसे कि इसमें ये मैंने काफ़ी समय से रिमूव नहीं करी है तो इसमें इसके ये वायर के निशान बनने शुरू हो गए हैं। अब ये देखिए मेरा बेहद ही खूबसूरत ये जेड बॉन्साई का प्लांट है। अब इस प्लांट में मेरा मेन फोकस इसके मेन ट्रंक पर है या जहाँ मैं टोपियारीज डेवलप करना चाहती हूँ। इसमें जितने भी जो ब्रांचेस जो मेरे को नहीं चाहिए उन सभी ब्रांचेस को मेरे को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि जब हम इन ब्रांचेस को रिमूव कर देते हैं तो जो हमारे प्लांट की जो ग्रोथ होती है प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है वो सिर्फ रिक्वायर्ड एरिया पे फोकस रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस प्लांट का मेन ट्रंक काफ़ी थिक है और इसके साथ साथ जहाँ मेरे को टोपियारीज डेवलप करनी है मैं उन्हीं एरियाज़ में फोकस करूँगी क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रोथ को मेरे को कट करना है अल्टीमेटली, तो मैं नहीं चाहूँगी कि जो मेरे प्लांट की एनर्जी उस एक्स्ट्रा ग्रोथ में जाए। इसलिए बॉन्साई प्लांट में ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी रेगुलर प्रूनिंग हो ताकि जो हमारे प्लांट की एनर्जी अनवांटेड ग्रोथ में या एक्स्ट्रा ग्रोथ में वेस्ट ना हो। अनवांटेड ब्रांचेस से उनको भी ऑलमोस्ट कट कर लिया। अब नेक्स्ट जो जिन प्लांट्स में वायरिंग का काम करना है तो वो वायरिंग का काम अब मैं करूँगी क्योंकि जिन ब्रांचेस में मैं कर्व शेप देना चाहती हूँ या ब्रांचेस को कोई शेप देना चाहती हूँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन ब्रांचेस को वायर किया जाए। ये मेरी बॉन्साई वायर है, ये वायर काफ़ी फ्लेक्सीबल होती है और ये हमारे प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुँचाती। वायरिंग हम जो भी करते हैं 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करते हुए करते हैं और ये वायरिंग जो की जाती है ब्रांचेस को शेप करने के लिए की जाती है। और अब एक बार ही जब ये ब्रांचेस हमारी शेप रिटेन कर लेती हैं तो इस वायर को फिर हम खोल देते हैं। मेरे इन सारे जेड प्लांट्स के प्रूनिंग का और शेपिंग का और वायरिंग का काम लगभग ख़त्म हो गया है। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने इन अपने सारे प्लांट्स को प्रून करके इनको शेप दिया है। इन प्लांट्स को लगभग हर 2 महीने बाद मेरे को प्रून करना पड़ता है ताकि मैं इनको एक प्रॉपर शेप में रख सकूं और इनको जो एक मनचाहा आकार या मनचाही शेप मैं देना चाहती हूँ मैं वो दे सकूँ।
अब ये प्रूनिंग के बाद देखिए ढेरों कटिंग्स मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं, जिनको मैं दोबारा से प्रोपोगेट करके न्यू प्लांट्स भी क्रिएट कर सकती हूँ, और इसके साथ साथ अगर छोटी छोटी जेड प्लांट से कुछ भी डेकोरेटिव चीज़ें मैं क्रिएट कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, हैप्पी गार्डनिंग।